भी हमारे साथ जुड़ी बिल्कुल शुभ के पास आप जाते हैं। शुभ, कितनी बड़ी संजीवनी के तौर पर इसे देखा जाए, ये भी एक सवाल है। राकेश जी मेरे साथ न्यूज रूम से राकेश जी के पास जाते हैं। राकेश जी, कितनी बड़ी संजीवनी इसे माने आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि देखिए आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, अब जब अरविंद केजरीवाल चुनावी मैदान में उतरकर प्रचार प्रसार में हिस्सा ले पाएंगे जेल से बाहर आकर, तो एक अलग प्रभाव पड़ेगा। और क्या फायदा इससे होगा और क्या इससे बड़ा मुद्दा आम आदमी पार्टी बनाएगी प्रचार प्रसार के दौरान, खासतौर पर केजरीवाल? देखिए 39 दिन के बाद 49 दिन के बाद जो है अरविंद केजरीवाल जो है आज अगर रिहाते हैं तो जेल से बाहर आएंगे। एसी के आदेश पर ट्रायल कोर्ट जो है ऑर्डर देगी और उसके बाद चुनाव प्रचार पर किसी तरह का कोई रोक नहीं है, जैसा कि उनके वकील की बात सुन रहे थे। तो ये जरूर है कि आप पार्टी के लिए एक संजीवनी का काम करेगा, क्योंकि ऐसे समय में जबकि चुनाव प्रचार जो है जोर पकड़ रहा है और उस समय उनको अंतरिम जमानत मिलना, और जिस तरह से आप देख रहे हैं आप पार्टी के नेताओं का रिएक्शन, जिस तरह से आप पार्टी में जश्न का माहौल, तो ये काफी अहम फैसला है। जश्न से कम नहीं है, एक तो होता है चुनाव जीतने के बाद का जश्न, एक होता है राहत पाने का जश्न, और लगातार चूंकि जेल का जवाब वोट से इस नारे को बुलंद कर रही थी आम आदमी पार्टी, आज बड़ी राहत की बात है। हमारे साथ रुद्र विक्रम सिंह जुड़ गए हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं। रुद्र विक्रम जी, जरा ये जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाइएगा, अंतरिम जमानत का मतलब कितनी बड़ी राहत है? 1 जून तक ही ये राहत रहेगी, उसके बाद फिर वापस आना होगा, और क्या जमानत के दौरान अपने ऊपर लगे आरोपों का, इस केस का जिक्र कर सकते हैं अरविंद केजरीवाल? देखिए अभी तक का जो अपडेट है, जो ऑनरेबल कोर्ट ने जब वर्डिक्ट पास किया 2 बजे, तो ये कहा कि ही नॉट स्पीक अबाउट द केस। एसजी तुषार मेहता ने उनसे रिक्वेस्ट करी कि ऑर्डर में ये भी लिखवाया जाए कि नॉट स्पीक अबाउट द केस। सो अभी डिटेल ऑर्डर अभी मेरे ख्याल से 1-2 घंटे में अपलोड हो जाएगा साइट पे, तब हम लोगों को ज्यादा बेहतर जानकारी होगी। लेकिन अभी तक का जो अपडेट है वो ये है कि सिर्फ उनको 1 जून तक की अंतरिम राहत जो मिली है। जी बिल्कुल, तो देखिए इंटरिम बेल यानी कि अंतरिम राहत, जी इन्होंने रिक्वेस्ट ये करी क्योंकि चुनावी मौसम है, चुनाव चल रहे हैं देश में, एक चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, एक पार्टी के मुखिया हैं, तो इनको इस आधार पर बेल दे दी जाए कम से कम चुनाव तक, जब तक चुनाव चल रहे हैं। तो कोर्ट ने इस बात को माना है कि ठीक है 1 जून तक हम इनको बेल अंतरिम राहत के तौर पर हम इनको दे देते हैं, और ये उस दौरान चुनाव प्रचार भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें देखिए बड़ी बात यह है कि अभी जो मेन इनकी बेल पिटीशन है उस पर सुनवाई बाकी है, इनको 1 तारीख के बाद अंदर भी जाना होगा, और उसके बाद सुनवाई मुझे लगता है कि जुलाई में होगी, क्योंकि जून में कोर्ट बंद रहेंगी। हो सकता है अर्जेंसी की एप्लीकेशन लेके जून में सुनवाई कराने की कोशिश करें, लेकिन क्योंकि स्पेशल बेंच ही बैठती है जून में, तो हो सकता है कि उसमें सुनवाई ना भी हो, क्योंकि जो आपकी जो अंतरिम राहत की एप्लीकेशन थी वो सुन ली गई है, उसके बाद आपकी जो रुद्र विक्रम जी, चूंकि 1 तारीख कहा गया है कोर्ट की तरफ से, 1 तारीख तक की इंटरिम बेल दी गई है, क्या किसी सूरत में इसे एक्सटेंड भी करवाया जा सकता है? साथ ही साथ अब चूंकि कोर्ट की ओर से ऑर्डर ये पास कर दिया गया है कि भाई जमानत हम दे रहे हैं, तो आगे का प्रोसेस अब क्या रहेगा, पूरा प्रोसीजर इसके बाद का क्या रहता है? देखिए जो अंतरिम राहत की इनके जो कंडीशन थी, जो आम आदमी पार्टी की तरफ से जो कंडीशन रखी गई थी, वो यही थी कि इनको चुनाव प्रचार में जा, चुनाव प्रचार 1 तारीख को खत्म हो जाएंगे, तो ये एक्सटेंड तो बिल्कुल किसी भी तरीके से ये एक्सटेंड नहीं किया जा सकेगा। हाँ, इनके जो मेन, जैसे मैंने कहा कि देखिए जब हम बेल एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो उसमें एक हमारी जो मेन प्रेयर होती है, एक होती है एंट्री प्रेयर। जी विक्रम जी आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है। 10 साल में कोई काम नहीं किया है, तो अब ये मान के चले ये प्रचार आंधी कर में रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, इंडिया अलायंस की बहुत बंपर जीत होने जा रही है। सर, कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं क्या कि कहां ट्रेवल कर सकते हैं? नहीं, अभी ऐसी कोई इंस्ट्रक्शंस, अभी रिटर्न में जब ऑर्डर आएगा उसके बाद और क्लियरिटी आ जाएगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी प्रचार के लिए पूरे देश में जा सकते हैं, कहीं पर भी किसी भी अपनी पार्टी या इंडिया अलायंस के किसी भी हिस्से में जाकर प्रचार करने की उनको छूट दे दी गई। थैंक यू। सुप्रीम कोर्ट से लाइव और अलग अलग वकीलों को आप सुन रहे हैं जो इस केस के बारे में जानकारी दे रहे हैं, किस तरीके से ये अंतरिम जमानत मिली है। आलोक मेहता सर भी जुड़ गए हैं एडिटोरियल डायरेक्टर के तौर पर। चूंकि आलोक सर, संजय सिंह जब जेल से छूटे तो पहले से ज्यादा अग्रेसिव नजर आए और पहले से ज्यादा अटैकिंग मोड में नजर आए, अरविंद केजरीवाल से भी ऐसा ही एक्सपेक्ट कर रहे होंगे आप? कि वो इसीलिए दो इसके पहलू हैं,
मिली है, उन्होंने जो वायदा किया है, पूरी पार्टी जब प्रचार के लिए जाएगी, जो उनके साथ भाषण दे रहा है वो तो बोल सकेगा ना। इसलिए ये एक टेक्निकल फ्लॉ इसमें है कि आप ये आशीष जी और ज्यादा आपको कानूनी बात बताएंगे, क्योंकि जहां वो जाएंगे उसकी चर्चा अभी भी कर रहे थे। संजय सिंह चर्चा क्यों नहीं कर रहे? संजय सिंह अपने अरविंद केजरीवाल के लिए कर रहे हैं। अभी तो मेरा तो सवाल आशीष जी से भी रहेगा कि इसी तरह से कविता जो तेलंगाना की नेता है, वहां भी चुनाव है, जहां हेमंत सरोन की चुनाव है, सुप्रीम कोर्ट उन सबको रिहा करेगा या नहीं? सवाल यह कि अरविंद केजरीवाल विश्व के सबसे बड़े नेता हो सकते हैं, लेकिन उसी तरह से सबका मानव अधिकार दुनिया में सब जगह है, संयुक्त राष्ट्र में भी जाके अपील करेंगे तो मेरा भी अधिकार वही है जो केजरीवाल जी का है। ऐसी स्थिति में ये सुप्रीम कोर्ट का बड़ा ऐतिहासिक फैसला है। एक उनके ऊपर जो आरोप है, वैसे भी चार्जशीट भी दायर होगी। अभी आशीष सिन्हा जी ये बता पाएंगे कि चार्जशीट के बाद भी जमानत का प्रावधान रहता है क्या? साइमल्टेनियसली दूसरा ठीक है आलोक सर, आशीष से ही पूछ लेते हैं। आशीष, आज कोर्टरूम में हुआ क्या क्या, एक बार ये बताइए विस्तार से दर्शकों की जानकारी के लिए। बड़ी राहत तो है केजरीवाल के लिए, लेकिन आज हुआ क्या क्या? आशीष, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी, अब आवाज आ रही है, अब मैं नेटवर्क जी बताइए। आज हुआ क्या कोर्टरूम में आशीष? देखिए, जैसे ही आज कोर्ट बैठी उसके बाद अभिषेक मनु सिंघवी जो अरविंद केजरीवाल के वकील हैं, उन्होंने नाराजगी जताई और ये कहा कि ईडी ने हलफनामा दाखिल किया है वो सही नहीं है। उसके बाद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता खड़े हुए, उन्होंने कहा कि अमृतपाल सिंह के केस का जिक्र किया, आपको ध्यान में होगा कि पंजाब हरियाणा को हाईकोर्ट ने आज ही उस याचिका को खारिज किया है। कोर्ट ने कहा कि हम इन सब बातों पे जा ही नहीं रहे हैं, दोनों केस अलग अलग है। कोर्ट ने कहा कि हमने अब फैसला हम सुनाने जा रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि हम अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक जमानत दे रहे हैं। दूसरी बात कोर्ट ने यह कही कि अरविंद केजरीवाल को पहले भी गिरफ्तार किया जा सकता था, गिरफ्तारी देरी से क्यों हुई? कोर्ट ने कहा कि 21 दिनों में कुछ भी नहीं होने वाला, आपने पहले गिरफ्तार अगर आप किए होते तो बात दूसरी थी, 21 दिनों में कुछ नहीं होता। फिर अभिषेक मनु सिंघवी ने यह कहा कि आप जुलाई तक अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दीजिए, तो कोर्ट ने कहा नहीं, जो आपकी मेन पिटीशन है जिसमें आपने हाईकोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज किया है, अगले हफ्ते जब वो सुनवाई पर आएगा तो आप उस पर अपनी बहस पूरी कर लीजिए, अगर आप बहस पूरी कर लेते हैं तो फिर फैसला रिजर्व हो जाएगा। फिर उन्होंने कहा ठीक है मिलोट, लेकिन 5 जून तक आप बढ़ा दीजिए, तो उन्होंने कहा नहीं, 1 जून से हम एक तारीख भी आगे नहीं बढ़ाएंगे। तब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ऐसे में तो अरविंद केजरीवाल को जो 2 जून है उसमें उनको सरेंडर करना चाहिए, तो कोर्ट ने कहा बिल्कुल 2 जून को अरविंद केजरीवाल सरेंडर करेंगे। फिर तुषार मेहता ने कहा कि आप ये भी लाइन लिखी अपने ऑर्डर में कि भाई ये केस से जुड़ा कुछ नहीं बोलेंगे, तो उन्होंने कहा कि हमने एक डिटेल इंट्री ऑर्डर पास किया है, थोड़ी देर के बाद वेबसाइट पे अपलोड हो जाएगा, तो उस ऑर्डर को आप देख लीजिएगा। यानी जो टर्म्स एंड कंडीशन लगाई गई हैं, जो शर्तें लगाई गई हैं, उन शर्तों को हमें देखना पड़ेगा कि उन शर्तों में अदालत ने क्या कुछ कहा है। दूसरी सबसे अहम बात कि अब आगे का प्रोसीजर क्या है वो मैं समझा दूं। आगे का प्रोसीजर यह है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की जो कॉपी है वो निचली अदालत यानी राउस रेवेन्यू कोर्ट में जाएगी, और राउस रेवेन्यू कोर्ट में जाने के बाद जो निचली अदालत है वो रिलीज ऑर्डर जारी करेगी, क्योंकि चूंकि इस समय वो न्यायिक हिरासत में है इसलिए निचली अदालत ही रिलीज ऑर्डर जारी कर सकती है। तो उसके बाद रिलीज ऑर्डर जो होगा वो तिहाड़ जेल जाएगा, और उसके बाद अरविंद केजरीवाल जो है वो जेल से बाहर आएंगे। अब हम तीसरे पहलू पर आते हैं कि क्या अगले हफ्ते इस मामले की सुनवाई पूरी हो पाएगी, क्योंकि अगला हफ्ता जो है वो लास्ट वर्किंग डे है, लास्ट वर्किंग वीक है सुप्रीम कोर्ट का, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट गर्मियों की छुट्टियों के लिए क्लोज हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में वेकेशन बेंच तो बैठेगी, लेकिन ये जो कॉम्बिनेशन है जस्टिस खन्ना का वो कॉम्बिनेशन नहीं बैठेगा। तो अब ऐसे में अरविंद केजरीवाल के वकील की कोशिश यही होगी और उनके वकील की कि इस फैसले को, इस मामले को जल्द से जल्द सुनवाई पूरी कर निपटवा दिया जाए, ताकि जून से पहले इस मामले में ऑर्डर आ जाए। लेकिन 1 जून तक की जो राहत है वो 1 जून तक की राहत बड़ी होने वाली है दिल्ली के लिहाज से, पंजाब के लिहाज से, और अरविंद केजरीवाल अब जगह जगह चुनाव प्रचार कर पाएंगे। रेणु दीक्षित भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, सुप्रीम कोर्ट की वकील हैं। रेणु जी, चूंकि बड़ी राहत का अभी चुनाव के लिहाज से तो कम से कम बड़ी राहत है, अंतरिम जमानत अरविंद केजरीवाल को मिल गई है, लगभग दो बजे थे जब ये ऑर्डर आ गया, इसे इम्प्लीमेंट होने में अभी कितना वक्त लगेगा जेल से बाहर आने तक? देखिए, इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट होने में जहाँ तक है तुरंत कोशिश होगी वकीलों की कि वो आज ही इस ऑर्डर को ट्रायल कोर्ट तक पहुँचा दे, राउस रेवेन्यू कोर्ट तक, और जैसे ही ऑर्डर आ जाएगा, क्योंकि ऑर्डर अभी
अपलोड नहीं हुआ है तो उसकी कंडीशन टर्म्स एंड कंडीशंस बाद में पता चलेंगी जैसे ही अपलोड हो जाएगा। ओरल ऑर्डर के हिसाब से उनको वो आज ही जमानत पे रिहा हो जाएंगे 2 जून तक। और अगर किसी भी कंडीशन में आज नहीं हो पाते हैं तो फिर क्या होगा? तो अगर आज नहीं होंगे तो जितना जल्दी से जल्दी जैसे ही ऑर्डर पहुंचेगा फिर कल उनको रिलीज किया जाएगा। पर जैसे ही ऑर्डर ट्रायल कोर्ट पहुंचेगा, ऑर्डर अपलोड हो जाएगा ट्रायल कोर्ट तक पहुंचेगा, वहां पे वो कंडीशन जो प्रोसेस है वो पूरी कर ली जाएगी और उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली शाम तक, देर रात तक या कल सुबह तक वो